पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री पार्ट टू ये सिलेबस चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास इलेवंथ एंड डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक टेक सेकेंड ईयर का पाइथन प्रोग्रामिंग आप क्लास एलेवंथ में देखेंगे चैप्टर नंबर सिक्स एंड बी में देखेंगे यूनिट नंबर टू और आज आपका टॉपिक होगा फॉर लू विद रेंज फंक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर विद रेंज फंक्शन तो रेंज फंक्शन को मैंने आपको आपको प्रीवियस लेक्चर में में यानी पार्ट दिखाया था कि इसकी वर्किंग क्या थी और फॉर लूप के सिंटैक्स को भी मैंने आपको समझाया था तो आइए एक बार फिर से देखते हैं रेंज फंक्शन किस तरीके से आ, काम करता है एक्चुअली में जो रेंज फंक्शन है वो एक कैसा फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन है कैसा फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन है ठीक है यह हम कह सकते हैं इन फंक्शन है इन बिल्ट ठीक है कैसा फंक्शन है इनविल्ट फंक्शन है किसका पाइथन लैंग्वेज का तो देखिए कैसे काम करता है तो मैंने इसका आपको सिंटेक्स बताया था क्या बताया था ये था कि रेंज फंक्शन है इसके अंदर तीन पैरामीटर रहते हैं पहला पैरामीटर जो रहता है वो रहता है स्टार्ट दूसरा रहता है स्टॉप और तीसरा पैरामीटर रहता है स्टेप स्टार्ट स्टॉप एंड देन स्टेप ठीक है ये इसका सिंटेक्स है ये जो स्टार्ट है ये स्टार्टिंग वैल्यू को बतलाता है कि आप किस नंबर से जो है स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉप बताता है एंडिंग नंबर को किस नंबर तक आप जाना चाहते हैं और स्टेप बतलाता है आपके कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में गैपिंग कितना होना चाहिए ठीक है मैंने आपको ये भी बतलाया था कि जो स्टार्ट है जो स्टार्ट आपका पैरामीटर है और जो स्टेप पैरामीटर है ये आपके कैसे हैं ऑप्शनल है कैसे हैं ये ऑप्शनल है आप चाहो तो इनको अपने प्रोग्राम में रख सकते हैं और चाहो तो नहीं रख सकते बट जो स्टॉप है वो ऑप्शनल नहीं है ठीक है तो आइए देखते हैं रेंज फंक्शन किस तरीके से काम करता है तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा और एग्जांपल में लिखा कुछ इस तरीके से प्रिंट करिए लिस्ट रेंज और यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट पास किए वन टेन कोमा वन इस तरीके से तो ये रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ए लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर तो लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर कहाँ से आएगा कि सर स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है वन से इंक्रीमेंट कितना है वन का तो वन के बाद क्या नंबर आएगा टू फिर थ्री फिर फोर फिर उसके बाद फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन ये लाश वाले नंबर को इंक्लूड नहीं करता है रेंज फंक्शन तो सीधी सी बात ये है कि रेंज फंक्शन क्या है कि रेंज फंक्शन जो है हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड कराता है ये क्या एक सीक्वेंस है किसका नंबर्स का सीक्वेंस है जो ये बतलाता है कि वो वन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा इस टेन तक जाएगा है ना टेन से एक नंबर पहले तक जाएगा और उसका जो साइज होगा स्टेप साइज वो वन से होगा अब ये जो देख रहे हैं आप ये नंबर्स जो है ये नंबर्स है ठीक है ये जो आपका स्टेप साइज है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है ओके इस तरीके से तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं मैंने लिखा रेंज फंक्शन रेंज फंक्शन लिखा और मैंने कहा कि इसके अंदर सिर्फ फाइव लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट क्या आएगा अब देखिए ध्यान से देखिए रेंज फंक्शन के अंदर क्या लिखा है फाइव और मैंने कहा कि स्टार्ट एंड स्टॉप ये रहते हैं ऑप्शनल स्टार्ट एंड स्टेप ये रहते हैं आपके ऑप्शनल तो ये नंबर क्या है ये नंबर है हमारा स्टॉप की कंडीशन यानी ये एंड वैल्यू है एंड वैल्यू क्या है फाइव है हमारे पास स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई है तो जिस समय नहीं दी जाती उस समय हम क्या मान के चलते हैं जीरो और अगर स्टेप साइज भी नहीं दिया है तो उसको हम मान के चलते हैं बाई डिफॉल्ट वन तो ये क्वेश्चन ये हो गया कि रेंज फंक्शन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या रेंज फंक्शन को आप जीरो से स्टार्ट करें एंड वैल्यू है फाइव है स्टेप साइज है वन ठीक है तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया तो जब इसका आउटपुट आएगा तो आउटपुट क्या आएगा देखिए आउटपुट आएगा एक लिस्ट ऑफ इंटीजर स्टार्ट होगी जीरो से इंक्रीमेंट होगा वन का फिर टू नंबर आएगा फिर थ्री आएगा एंड देन फिर फोर आएगा तो ये इसका आंसर होगा आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी चलिए देखते हैं क्या ये बात सही है तो हम इस चीज को करते हैं रन चलिए इस चीज को मैं हटा देता हूँ और मैंने यहां पर लिखा देखो क्या लिखा प्रिंट कराइए किसको लिस्ट को और लिस्ट के अंदर मैंने रेंज फंक्शन को रखा और रेंज फंक्शन में वैल्यू दी सिर्फ फाइव ठीक है तो इसका आउटपुट क्या आएगा तो देखिए इसका आउटपुट क्या आया भाई एक प्रेकेट और लगेगा ऐसे एंड तो देन इसका आउटपुट क्या है आपका जीरो वन टू थ्री एंड फोर जो कि मैंने अभी आपको प्रोग्रामिंग में दिखाया है जीरो वन टू थ्री एंड फोर ओके इस तरीके से आइए एक एग्जांपल और देखते हैं मैंने लिखा रेंज फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास कराए क्या one, ten, two. और मैंने पूछा इसका आउटपुट क्या आएगा तो देखो आउटपुट क्या आएगा स्टार्ट वैल्यू क्या है, है? जरा आप मुझे बताएं वन है तो वन से स्टार्ट होगा एंड वैल्यू क्या है टेन है तो टेन से जस्ट पहले एक नंबर आता है नाइन तो नाइन तक हम जाएंगे लेकिन स्टेप साइज कितना है टू तो दो दो का हमें गैप रखा रखना है तो वन के बाद जो दूसरा नंबर मिलेगा वो थ्री मिलेगा थ्री के बाद जो दूसरा नंबर मिलेगा वो फाइव फिर सेवन फिर नाइन और नाइन के बाद हमें टेन नंबर तक जाना है तो नाइन के बाद जैसे नंबर इलेवन आएगा तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा ओके चलिए क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से एक हमने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल रेंज और मैंने यहाँ पर वैल्यू दी देखिए क्या दी माइनस फोर कॉमा फोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसको किया एंटर तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है हमें आउटपुट निकालना है तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी क्या ट्रिक बताई थी कि हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं ठीक है नंबर लाइन पर यहाँ पर नंबर डिनोट कर लेते हैं ये जीरो ये पॉजिटिव वन ये पॉजिटिव टू ये पॉजिटिव थ्री ये पॉजिटिव फोर इधर ये निगेटिव वन निगेटिव टू निगेटिव थ्री निगेटिव फोर और ये निगेटिव फाइव ऐसी आप यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव फाइव भी ले सकते हैं हमें कहाँ से स्टार्ट करना है स्टार्ट वैल्यू क्या माइनस फोर हमें स्टार्ट करना है यहाँ से इस वाली पोजिशन से स्टार्ट करना है ओके कहाँ तक जाना है पॉजिटिव फोर तक इस वाली पोजिशन तक हमें जाना है तो डायरेक्शन क्या हो गई भाई डायरेक्शन होगी इधर से इधर यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू दी गई है स्टॉप वैल्यू दी गई लेकिन एंड वैल्यू नहीं दी गई क्या नहीं दी गई एंड वैल्यू या स्टेप वैल्यू नहीं दी गई तो जिस समय स्टेप वैल्यू नहीं दी जाती तो हम उसको क्या मानते है? हैं बाई डिफॉल्ट वन से मानते हैं किससे मानते हैं वन से मानते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा तो देखिए वन कैसा नंबर है पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है इस तरीके से पॉजिटिव नंबर जो है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हमें माइनस फोर से फोर तक जाना है लेकिन स्टेप साइज वन को लेकर जाना है तो इसका आउटपुट क्या बनेगा वो देखिए तो इसका आउटपुट जो आने वाला है वो ये होगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है माइनस फोर से ठीक है वन ऐड करिए तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा तो वन ऐड करेंगे तो माइनस थ्री और ऐड करेंगे माइनस टू और ऐड करेंगे तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो ठीक है जीरो में वन ऐड करेंगे वन वन में वन ऐड करेंगे टू टू में वन ऐड करेंगे थ्री ठीक है ये हो गया और थ्री में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा फोर लेकिन हमें फोर वैल्यू को लेना नहीं है क्यों क्योंकि ये लास्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचता है इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, यहां तक पहुंचेगा थ्री तक तो हम यहां तक आ चुके तो इसका आउटपुट क्या होगा ये इसका आंसर होगा बोलो बात समझ में आ गई चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ रेंज और यहाँ पर लिखा मैंने क्या माइनस फोर फोर टू ओके ये लिख दिया मैंने माइनस फोर फोर टू एंड देन किया एंटर आप मुझे आप बता सकते हैं इसमें स्टार्ट वैल्यू क्या है स्टार्ट वैल्यू सर माइनस फोर स्टॉप वैल्यू क्या है सर फोर है एंड वैल्यू क्या है या स्टेप वैल्यू क्या है टू है तो चलो देखते हैं हम यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं और फिर उस पर करते हैं इसको सोल्व तो हमने ये लिखा जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर कहाँ से स्टार्ट करना है माइनस फोर से यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है माइनस फोर से कहाँ तक जाना है इस फोर तक जाना है तो हम कहाँ तक जाएंगे इस थ्री तक जाएंगे इससे जस्ट एक पहले तक जाते हैं स्टेप साइज कितना रखना है 2 तो देखिए -4 से 4 तक जाना है डायरेक्शन कौन सी मिल गई फॉरवर्ड डायरेक्शन और स्टेप साइज कैसा नंबर है पॉजिटिव तो ये भी डायरेक्शन क्या मिल गई फॉरवर्ड साइड तो इधर से इधर जाना दो-दो का गैप करते हुए तो पहला नंबर जो मिलेगा वो -4 दूसरा नंबर क्या मिलेगा -2 और तीसरा नंबर क्या मिलेगा भाई आपको तीसरा नंबर क्या मिलेगा 0 और नेक्स्ट नंबर क्या मिलने वाला है 2 और टू के बाद नंबर क्या मिलने वाला है फाइव लेकिन हमें तो फोर तक जाना तो फोर से पहले क्या जाएंगे थ्री तक तो ये इसका आंसर होगा ओके तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी रेंज फंक्शन अब हमें यूज करना है फोर लूप में रेंज फंक्शन को तो रेंज फंक्शन को फोर लूप में कैसे यूज करें तो देखिए हाउ टू यूज रेंज फंक्शन लूप ओके okay, तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या था जरा आप उसका एक बार देखें सिंटेक्स ये था फोर ठीक है वेरिएबल नेम वेरिएबल नेम इन ऑपरेटर और यहां पर लिखा था क्या हमने यहां पर लिखा था यहां पर लिखा था सीक्वेंसेस क्वेंस ऑफ लिख ठीक है एलिमेंट इन एलिमेंट ऑफ रेंज फंक्शन ठीक है एलिमेंट ऑफ रेंज फंक्शन इस तरीके से हमने इसको लिख रखा था और यहां पर कॉलन लगा करके हमने लिखा था स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर टू एंड देन ऐसे लिखा था स्टेटमेंट नंबर थ्री ठीक है नंबर थ्री की जगह एन और यहां पर लिखा था नेक्स्ट स्टेटमेंट तो ये था आपका फोर लूप, ठीक है अब हम देखिए क्या कर रहे हैं फोर वर्ड है वेरेबल को एक वेरेबल लेना वेरेबल नेम लेना है जो वैलिड होगा इन क्या एक ऑपरेटर है कैसा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर है और ये जो सिक्वेंसिस है ये ये कोई भी एक लिस्ट हो सकती है टपल हो सकता है सेट हो सकता है डिक्शनरी हो सकती है वो या फिर हो सकता है आपका रेंज फंक्शन ठीक है तो या तो हम सीक्वेंस लिखेंगे या फिर हम रेंज फंक्शन लिखेंगे तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने इस सीक्वेंस को अपने प्रोग्राम में यूज किया है देखिए कैसे यूज किया है तो समझते हैं इस प्रोग्राम से क्या समझ रहे हैं हम कि हम फॉर लूप में इस सीक्वेंस को हमने कैसे यूज किया था तो देखिए इसका मैं कोड लिखता हूं ठीक है एक तो विदाउट लिखता हूं आपको विदाउट रेंज फंक्शन और लिखता, लिखता हूं विद विद रेंज फंक्शन विदाउट और विद कर देता हूं तो चलो देखते हैं तो यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका विद with, विदाउट Without range function और यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका विद रेंज फंक्शन ओके आप इसको अच्छे से समझिए तो देखिए जिस समय विदाउट रेंज फंक्शन का यूज करूंगा तो उस समय मैं किसको यूज करूंगा सीक्वेंस को इसको यूज करने वाला हूं और जिस समय मैं रेंज फंक्शन को यूज करूंगा उस समय सिक्वेंस को यूज नहीं करूंगा तो प्रोग्राम को पढ़ते हैं और उसका लिखते हैं कोड तो क्या कोड होगा इसका देखो लिखा है से लेकर के पांच तक के हमें यहाँ पर प्रिंट कराने हैं लेकिन फोर लूप के माध्यम से ठीक है तो चलो हम यहाँ पर फोर लूप लिखते हैं फोर आई इन क्या लिखते हैं एक सीक्वेंस तो सीक्वेंस में वन टू थ्री फोर एंड हाँ लगाते हैं आइडेंटन और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट करिए किस को आई को प्रिंट करा दीजिए बस हो गया पूरा प्रोग्राम ये इसका आंसर तो देखो जब इसका आउटपुट आएगा तो वो कैसे आएगा ये मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में समझाया अच्छे से कि यहाँ पर फोर एक कीवर्ड है आई एक वेरेबल है इन एक मेम्बरशिप ऑपरेटर है और ये एक सीक्वेंस है ये लाइन क्या है एक है एक सीक्वेंस सीक्वेंस इस में हमें यहाँ पर नंबर दिए गए हैं अब जब सबसे पहले कोई लूप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेक्शन आता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन वो सेक्शन है जहां पर हम लूप के वेरेबल को वैल्यू असाइन कराते हैं ठीक है आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें वर्ड्स पर ध्यान दें कि जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन है वो

क्या कि लूप के वेरिएबल का या तो इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस तो यहाँ पर ये फॉर लूप कैसे काम करेगा वो देखिए सबसे पहले इस आई को एक वैल्यू असाइन होगी तो वो वैल्यू कहाँ से असाइन होगी इस सिक्वेंस से तो ये, ये सिक्वेंस से ये वैल्यू आएगी सबसे पहले वन यानी आई सबसे पहले इस वन को रीड करेगा तो आई की वैल्यू हो गई वन अब ये जो इन ऑपरेटर है ये है मेंबरशिप ऑपरेटर ये ये चेक करता है क्या वन इस लिस्ट का मेंबर है हाँ जी वन इस लिस्ट का मेंबर है मेंबर है तो आप इस लूप के अंदर चले जाइए और अंदर क्या लिखा है प्रिंट आई तो आई को आप प्रिंट कर दीजिए तो आई की वैल्यू अभी क्या मिली है वन तो सबसे पहले वन प्रिंट हो जाएगा अब नेक्स्ट नंबर किसका आएगा टू टू को आप असाइन करा दो किसको को आई को तो आई की नई वैल्यू क्या असाइन हो गई तो क्या टू मेंबर है इस सिक्वेंस का हाँ जी है है तो टू को प्रिंट करा दो ऐसे फिर नंबर आएगा थर्ड वाला थर्ड असाइन हो जाएगा आई को और फिर आई को चेक करेंगे क्या थ्री नंबर इस सीक्वेंस का मेंबर है, हाँ जी है थ्री जाएगा, फिर फोर आ जाएगा फिर फाइव आ जाएगा और इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा आप समझ Now, अब इसी को हम रन करते हैं किसके साथ रेंज फंक्शन के साथ तो देखो इसका कोड कैसे लिखेंगे अब ये जो रेंज फंक्शन है ये रेंज फंक्शन ये वैल्यू को जनरेट करेगा कैसे देखो फोर आई इन रेंज लिखेंगे ऐसे करके आई इन रेंज और रेंज में क्या प्रोवाइड कराते हैं हम तीन आर्ग्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट होना वन से कहाँ पर स्टॉप होना है कि सर फाइव तक हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ पर नंबर लेते हैं एक ज़्यादा तो फाइव का मतलब सिक्स से लेंगे और स्टेप साइज क्या रखेंगे वन इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिशन और यहाँ पर हम करने वाले हैं किसको प्रिंट आई को प्रिंट करने वाले हैं बस हो गया पूरा सब पूरा प्रोग्राम जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए आउटपुट कैसे आएगा यहाँ पर क्या लिखा है आई इन रेंज तो ये जो रेंज है ये वाला सबसे पहले ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी तो हम जब इसको रेंज फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं वन कोमा सिक्स कोमा वन तो ये हमें क्या रिटर्न करती है ये रिटर्न करती है हमें एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स तो लिस्ट कैसे बनेगी कहाँ से स्टार्ट हो गए वन से वन आ गया स्टेप साइज कितना वन का तो दूसरा नंबर फिर three, फिर four, फिर फाइव तक जाएंगे? क्योंकि लास्ट नंबर को छोड़ दिया जाता है उसको इंक्लूड नहीं करते तो इस रेंज फंक्शन की जगह ये जो आप रेंज फंक्शन देख रहे हैं इस रेंज फंक्शन की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी ठीक है क्योंकि सबसे पहले ये रेंज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा यहाँ से एक निकलेगी लिस्ट वो लिस्ट होगी ये वाली और इस लिस्ट को हम रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से इस वैल्यू को रीड करेंगे तो बताइए सबसे पहले इस आई को क्या वैल्यू असाइन होगी इसकी सबसे पहले सर ये वन असाइन हो जाएगा अब चेक करेंगे क्या वन इस लिस्ट का मेंबर है क्योंकि यहाँ पर इन ऑपरेटर लगा है ठीक है तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली लाइन ये लाइन कुछ कन्वर्ट होके ऐसे हो जाएगी फोर आई इन इनकी जगह अब ये सीक्वेंस आ जाएगा वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव ये सिक्वेंस आ जाएगा तो हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले आई की वैल्यू ये तो क्या वन इस लिस्ट का मेंबर है हाँ जी है तो वन को प्रिंट करा दो क्योंकि यहाँ पर प्रिंट लिखा है फिर ये टू असाइन होगा तो क्या टू इसका हिस्सा है हाँ जी है फिर थ्री होगा फिर फोर होगा फिर फाइव होगा और ये इसका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा तो आई थिंक आपको रेंज फंक्शन और सीक्वेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को लिख रहे हैं ठीक है तो आइए रन करके देखते हैं दोनों को जल्दी से। तो यहां पर मैंने लिखा four, I, अब sequence दे रहा हूँ देखो यहाँ पर सीक्वेंस में क्या दूंगा वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा फाइव क्योंकि मुझे फाइव तक ही प्रिंट कराना था और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करिए किसको आई को बस जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए आउटपुट क्या आने वाला है वन टू थ्री फोर फाइव ये आप यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं ठीक है ये तो हो गया सीक्वेंस की हेल्प से अब अगर मुझे यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज करना तो रेंज फंक्शन कैसे यूज करूंगा वो देखिए तो मैं इसको बना देता हूँ कमेंट ठीक है इस लाइन को भी कमेंट बना देता हूँ और लिखता हूँ दोबारा से प्रोग्राम देखिए फिर से मैंने लिखा फोर आई इन रेंज इस बार क्या लिख दिया रेंज और रेंज के अंदर तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं वन कहाँ तक जाना फाइव तक लेकिन फाइव को हमें इंक्लूड कराना है तो सिक्स तक जाएंगे एंड देन वन इस तरीके से एंड देन यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं प्रिंट करिए किसको I, को जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए आउटपुट क्या आएगा पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ अब इसको रन कराता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आया फिर अगेन वन टू थ्री फोर फाइव तो आप यहाँ पर ये समझ रहे होंगे कि ये जो रेंज फंक्शन है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा एग्जीक्यूट होने के बाद ये एक आंसर देगा इस वाले लिस्ट को और फिर हम उस लिस्ट को अपने प्रोग्राम में यूज करके उसको प्रिंट करवा देते हैं तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा आइए चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की ओर दूसरा प्रोग्राम क्या कहता है हमसे उसको समझते हैं तो देखिए दूसरा प्रोग्राम क्या कह रहा है भाई हमसे दूसरा प्रोग्राम ये कह रहा है हमसे टू डिस्प्ले कैपिटल नंबर फ्रॉम ए टू जेड यूजिंग फॉर लूप ए से लेकर के जेड तक हमें क्या प्रिंट करानी कराने विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप तो चलिए अब आप मुझे बताइए कि कैपिटल नंबर्स कैसे प्रिंट होंगे फॉर लूप से तो क्या किसी लूप को ऐसे चलाया जा सकता है कि जैसे सी लैंग्वेज में लिखते हैं फोर ए करके ठीक है ऐसे करके ए से चलें और फिर यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर लें क्या कि क्या, क्या करेक्टर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जेड हो गई और फिर हम यहाँ पर करेक्टर प्लस प्लस कर लें ऐसे तो ऐसे तो सी में लिखते थे लेकिन यहाँ पर पाइथन में कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे किस पर एस्काई वैल्यू पर तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कैपिटल ए की एसकाई वैल्यू कितनी है कैपिटल ए की एसकाई वैल्यू है सिक्सटी फाइव बी की कितनी है सिक्सटी सिक्स सी की कितनी है सिक्सटी सेवन ठीक है डी की कितनी है भाई सिक्सटी एट कैपिटल जेड की कितनी होगी कि सर नाइनटी होगी तो हमें ये एस्काई वैल्यू पता होनी चाहिए कि लेटर्स की एसकाई वैल्यू कितनी होती है, अब इसी चीज़ को हम अपने प्रोग्राम में सेट कर देते हैं तो चलो इसका कोड लिखते हैं भाई ठीक है इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो देखिए मैंने लिखा फोर लूप लगा दिया फोर एक वेरिएबल लिया आई एन रेंज लगाया रेंज आर एन जी ई रेंज कहाँ से नंबर लिया सिक्सटी फाइव से क्यों क्योंकि मुझे यहाँ से स्टार्ट कराना है इस कैपिटल ए से तो सिक्सटी फाइव से लिया एंड कहाँ पर जाना नाइन्टी तक तो नाइन्टी नंबर को तो ये छोड़ देगा तो हम इससे एक ज़्यादा लेंगे नाइन्टी वन तक और स्टेप साइज को क्या रखेंगे वन इस तरीके से बात समझ में आ गई अब हमें प्रिंट कराना है क्या तो प्रिंट कराइए प्रिंट कराइए किसको? I आई को प्रिंट कराइए तो अगर आप आई को प्रिंट कराएंगे अगर आप आई को प्रिंट कराएंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा तो देखिए वो आउटपुट क्या आएगा इसका आउटपुट आ जाएगा ऐसे सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट और ऐसी आउटपुट कहाँ चला जाएगा नाइन्टी तक ठीक है अभी सिर्फ हम प्रोग्राम समझ रहे हैं इसको सही करेंगे बाद में अभी तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से मैंने लिखा फोर आई इन रेंज और कहाँ से चलाया इसको सिक्सटी फाइव से चलाया और कहाँ तक ले गए नाइन्टी वन तक और मैंने कहा प्रिंट आई कर दो तो देखो मेरे पास नंबर आ गए कहाँ से कहाँ तक के नंबर आ गए भैया सिक्सटी फाइव से लेकर के और नाइन्टी तक के नंबर आ गए आप देख रहे होंगे लेकिन मुझे नंबर थोड़ी ना प्रिंट कराने थे, मुझे प्रिंट प्रिंट क्या कराना था? मुझे प्रिंट कराना था? था मुझे मुझे कैपिटल कैपिटल ए बी, तो ये प्रिंट कराने थे कैपिटल ए प्रिंट हो बी प्रिंट हो सी प्रिंट हो डी प्रिंट हो ऐसी कहां तक जेड प्रिंट हो तो अभी जो नंबर है अगर हम इन नंबर को कन्वर्ट कर दें क्या कर दें कन्वर्ट कर दें किसमें करेक्टर में तो क्या ये नंबर करेक्टर में कन्वर्ट होके ए प्रिंट कराएगा ठीक है तो चलो इसको करेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एक हमें कन्वर्टर बना के दिया गया जिसका नाम है सी एच आर क्या नाम है जिसका सी एच आर तो सी एच आर के अंदर हम अगर आई को पास करा दें तो ये इस नंबर को करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा देखो कैसे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या लिखता हूँ सी एच आर और इसके अंदर मैंने I को पास करा दिया बस और कुछ नहीं और मेरा पूरा काम हो चुका है तो आइए देखते हैं इसको रन करके क्या ये वाकई में सही है तो अगर मैं यहाँ पर सी एच आर लगा दूँ और इसके अंदर ये पास करा दूँ तो क्या मेरे ये लेटर प्रिंट हो जाएंगे तो देखो तो अरे वाह ये तो जादू हो गया देखो ये प्रिंट हो गए कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक प्रिंट हो गया ये तो वर्टिकल लाइन में प्रिंट हो गया अगर आप ये चाहते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट करें तो मैंने कल आपको बताया था कि हम यहाँ पर एंड का यूज कर लेते हैं ई एन डी एंड इस तरीके से एंड इज इक्वल टू ये लगा देते हैं ये देखो एक लाइन में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देख रहे हैं आउटपुट इस तरीके से आ गया तो समझ गए किसी नंबर्स को किसी नंबर्स को अगर हमें किसमें कन्वर्ट करना हो करेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन सा कन्वर्टर यूज कर लेते हैं सी एच आर वाला कन्वर्टर यूज कर लेते हैं तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ओके तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर नेक्स्ट प्रोग्राम में टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग फॉर लूप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमें नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है कहाँ से लेकर के वन से टेन तक तो इसकी ये कह रहा है कि जब आपका आउटपुट आए तो वो ऐसे आए कैसे आया आउटपुट ऐसे करके तो ये आउटपुट कैसे आएगा भाई इसको लेके आना तो चलो यहाँ पर लगाते हैं फोर लूप इसका लिखते हैं कोड फोर आई ठीक है, इन रेंज अब देखिए रेंज फंक्शन में कहां से स्टार्ट कराना है मैं reverse में टेन से तो स्टार्ट वैल्यू क्या दे दू टू एंडिंग वैल्यू कहां तक जानी है one तक जानी है। तो एंडिंग वैल्यू जब वन तक जाएगी तो भाई वन को तो ये छोड़ देगा तो दो, दो तक जाएगी तो हम यहां पर अगर जीरो कर दें तो ये वन तक पहुंच जाएगा इससे जस्ट पहले तक और स्टेप साइज क्या रख दें इस बार कि पहले टेन प्रिंट हो फिर नाइन प्रिंट हो तो यहां पर रखें अगर हम पॉजिटिव वन तो पॉजिटिव वन तो वैल्यू को बढ़ाता है ठीक है अगर माइनस वन रख दें तो ये वैल्यू को घटाता है ठीक है इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर रख दिया है अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट कराइए क्या प्रिंट कराइए किसको किसको प्रिंट कराइए भाई आई को प्रिंट करा दो तो देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है तो सबसे पहले हम जरा रेंज फंक्शन को सॉल्व करके देख लें सबसे पहले क्या करना है हमें रेंज फंक्शन को देखना है कि रेंज फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है तो आप बताइए रेंज फंक्शन कैसे वर्क करेगा तो यहाँ पर समझते हैं एक बना लेते हैं यहाँ पर क्या नंबर लाइन और यहाँ पर लिख लेते हैं टेन किसको जीरो को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कहाँ से स्टार्ट होने टेन से यानी इस नंबर से स्टार्ट होना है, है. कहाँ तक जाना है जीरो तक यानी इस तरफ जाना है हमें तो ये कौन सा हो गया भाई बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन हो गई स्टेप साइज क्या दिया माइनस वन तो माइनस वन का मतलब ये इधर आएगा माइनस वन ऐसे माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे करके और ये माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन ऐसी होगा माइनस एट ये माइनस नाइन और ये फिर हो जाएगा माइनस टेन तो देखो स्टेप साइज़ है माइनस वन तो माइनस वन किस तरफ लिखा इस तरफ इस तरफ चलेंगे हम तो ये भी कौन सा डायरेक्शन हो गया भाई हमारा ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया ठीक है तो इस केस में क्या होगा सबसे पहले जब लिस्ट जनरेट होगी तो सबसे पहले क्या आएगा टेन आएगा फिर माइनस वन उसमें जुड़ेगा तो क्या नंबर आएगा नाइन आएगा फिर एट आएगा फिर सेवन आएगा फिर सिक्स फिर फाइव फिर फोर फिर थ्री फिर टू और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वन आ जाएगा इस तरीके से क्योंकि जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे तो उससे पहले वन तक जाएंगे यहाँ तक तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है भाई कि सबसे पहले हमें नंबर मिलेगा 10. इस रेंज फंक्शन की जगह पर क्या लिस्ट रखी जाएगी अब ये वाले जाएगी. तो i को सबसे पहले क्या वैल्यू मिलेगी वाली वैल्यू मिलेगी तो टेन वैल्यू मिलेगी तो i प्रिंट होगा टेन फिर दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी नाइन तो नाइन प्रिंट हो जाएगा फिर तीसरी वैल्यू क्या मिलेगी एट और इस तरीके से लास्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी वन जो कि इसका आंसर होगा तो आइए देखते हैं प्रोग्राम बना करके मैं इसी में इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैंने लिखा यहाँ पर टेन नंबर से शुरू हो जाइए और कहाँ तक जाइए जीरो तक और मैंने स्टेप साइज रख दिया माइनस वन और मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो इसको आई को प्रिंट करा दो बस तो देखो इसका आउटपुट देखिए टेन नाइन एट सेवन कहाँ तक जा रहा है वन तक क्या ये रिवर्स ऑर्डर है हाँ जी ये रिवर्स ऑर्डर है अगर आप इसको चाहते हैं कि ये औरजेंटल लाइन में प्रिंट हो तो आप लगाएंगे यहाँ पर एंड इस तरीके से और आप प्रोग्राम को करेंगे रन तो ये एक सीक्वेंस मिल जाएगा हमें ऐसे टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा क्लियर अगर इन क्वेश्चन को समझने में आपको कुछ परेशानी है दिक्कत है तो आप कमेंट लिखिए और या मुझे कॉल करिए और मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है बच्चों अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे और लिखेंगे कि आपकी ये समस्या है इस समस्या का समाधान क्या है तो हम हो सकता है आपकी समस्या को पढ़ करके के उसका समाधान आपको बतला दें नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर चलिए आपके कमेंट ही जो है मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मजबूर करते हैं कि जो लेक्चर है वो बनाया जाए तो आप जितना अधिक हो सके तो कमेंट करिए और लिखिए उसमें कि इस क्वेश्चन का आउटपुट ऐसे क्यों आया या ये जो आपने कंसेप्ट समझाया है इसको आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए या दोबारा से समझा दीजिए ओके चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं तो देखिए प्रोग्राम नंबर फोर किया है

वन का स्क्वायर क्या होगा वन टू का स्क्वायर क्या होगा फोर थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन फोर का स्क्वायर क्या होगा हमारा सिक्सटीन ऐसे करके फाइव का स्क्वायर क्या होगा ट्वेंटी फाइव और ऐसे ही लास्ट में टेन का स्क्वायर कितना होगा भाई हंड्रेड तो इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है किसकी हेल्प से फॉर लूप की हेल्प से तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं भाई यहाँ पे लिखते हैं इसका कोड और कोड में यहाँ पे लगाते हैं फॉर लूप फोर आई इन रेंज अब रेंज फंक्शन में कहा से चलाना है इस वन से चलाना है कहां से चलाना है नंबर से और कहां तक जाना टेन तक तो वन से चलाना और टेन तक लाने के लिए इलेवन तक जाना पड़ेगा स्टेप साइज रखेंगे one, और इसको चला देंगे अब हमें प्रिंट क्या कराना है स्क्वायर तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं प्रिंट लिखते हैं प्रिंट ठीक है और प्रिंट के बाद यहाँ पर लिखते हैं आई लगाते हैं कोमा और इसके बाद लिखते हैं ऐसे स्क्वायर इजिकल टू और यहाँ पर ये लगा देते हैं आई इन टू आई ठीक है इस तरीके से बस हो गया पूरा प्रोग्राम कुछ नहीं करना तो देखिए कैसे आउटपुट आएगा वो समझिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये रेंज फंक्शन क्या हमें देगा यहाँ पर क्या सीक्वेंस बनाएगा तो रेंज फंक्शन क्या सीक्वेंस बनाएगा एक लिस्ट ऑफ इंटीजर जनरेट करेगा जो वन से स्टार्ट होगी स्टेप साइज भी वन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये चला जाएगा टेन तक ऐसे करके तो इस रेंज फंक्शन की जगह पर हम ये वाले लिस्ट रिप्लेस कर सकते हैं इस आई को सबसे पहले क्या वैल्यू मिलेगी वन ठीक है और चेक होगा क्या ये वन इस इस लिस्ट का मेंबर है क्योंकि यहाँ पर इन ऑपरेटर लगा है हाँ जी है ये बात सही है तो सही होने पर हम इस वाली लाइन पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा है सबसे पहले आई को प्रिंट करो तो आई प्रिंट हो जाएगा वन फिर उसके बाद ये कोमा लगा हुआ है यहाँ पे लिखा है क्या स्क्वायर यानी सेपरेटर है स्क्वायर तो ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्क्वायर इजिकल टू और यहाँ पे लिखा है आई इंटू आई तो वन इंटू वन कितना होता है भाई वन होता है तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा वन स्क्वायर इजिकल टू वन ऐसे फिर नेक्स्ट नंबर किसका आएगा टू का तो ऐसे लिखा हुआ आएगा टू स्क्वायर इजिकल टू फोर ऐसी आएगा थ्री स्क्वायर इजिकल टू नाइन फोर स्क्वायर इजिकल टू सिक्सटीन इस तरीके से तो हमारे क्वेश्चन का कोड सिर्फ इतना सा था तो हम अपने प्रोग्राम को कर चुके हैं सॉल्व ओके तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से कहाँ से निकालना है मुझे वन से कहाँ तक जाना है टेन तक तो मुझे कहा लगाना पड़ेगा इलेवन तक और यहाँ पर मैंने लिखा आई और यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूं मैं आई स्क्वायर्स इज इक्वल टू इसको ले लो आप किस में स्ट्रिंग में ऐसे करके क्योंकि मैसेज है सेपरेटर लगाइए सेमा और यहाँ पर लिखिए क्या आई इंटू आई इस तरीके से और आप इसको कर करा दीजिए रन तो देखिए क्या आया वन स्क्वायर वन टू स्क्वायर फोर थ्री स्क्वायर नाइन फोर स्क्वायर सिक्सटीन और टेन स्क्वायर क्या आया हंड्रेड क्वेश्चन समझ में आ गया इस तरीके से तो वन का स्क्वायर वन होता है टू का स्क्वायर इतना होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखते हैं देखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है टू तो प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम जीरो टू तो टेन एंड फाइंड सम यूजिंग फॉर लूप है ना क्या कहा है हमें जीरो से लेकर के टेन तक के नंबर में उन नंबर को प्रिंट कराइए जो इविन नंबर है तो जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स सेवन एट नाइन और कहाँ से फिन? जीरो टू टेन ठीक है तो चलो मैं टेन को भी कंसिडर कर लेता हूँ ऐसे करके अब हमें क्या कहा टू प्रिंट द इविन नंबर तो क्या जीरो इविन नंबर है जी नहीं क्या वन क्या टू है तो टू प्रिंट हो थ्री है जी नहीं फोर है तो फोर प्रिंट हो ऐसी सिक्स प्रिंट हो ऐसी कौन सा एट प्रिंट हो और फिर कौन सा प्रिंट हो जाए टेन प्रिंट हो जाए और फिर हमें इनका निकालना है सम टू फोर सिक्स एट और टेन का क्या निकाल देना है हमें सम निकाल देना है ठीक है तो चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसका कोड लिखते हैं हम लिखते हैं फोर यहाँ पे लिखते हैं आई इन रेंज अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है जीरो से लेकिन टेन नंबर को भी सम्मिलित करना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे इलेवन और स्टेप साइज क्या लगाएंगे वन ठीक है हमें क्या प्रिंट कराना है इवन नंबर को तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं यहाँ पर एक सम नाम का वेरेबल लो और सम को सबसे पहले क्या जीरो कर लो कर लिया इस तरीके से नाउ अब हमने यहाँ पर चेक करा इफ कंडीशन लगाओ इफ सबसे पहले नंबर क्या मिलने वाला है जीरो देखो सबसे पहले हमें ये वाला लाइन सॉल्व ला ला करना पड़ेगा तो जैसे इस लाइन को सॉल्व करोगे तो एक लिस्ट ऑफ तो इंटीजर आएगी कैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन आ गई अब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो सबसे पहले आई की वैल्यू आएगी क्या आएगी जीरो तो क्या जीरो इवन नंबर है तो कैसे चेक करेंगे तो आई मोड वाई टू इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से अगर ये है अगर ये बात सही है तो इसको क्या करा दो प्रिंट करा दो प्रिंट करा दिया हमने आई को और साथ साथ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करा दो बस पूरा प्रोग्राम हो गया फिनिश इसके बाद हमें क्या करना है सम को प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करिए और लिखिए सम ऑफ इवन नंबर Of even is equal to, किसको प्रिंट करा दिया हमने सम नाम के वेरिएबल को ये हमारा कोड हो गया यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा कोड है भाई ठीक है ये है हमारा इसका आंसर ठीक है किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू क्या मिलेगी इस रेंज फंक्शन से रेंज फंक्शन से क्या आएगी जीरो उठ करके आएगी अब यहाँ पर चेक करें जीरो मोड बाई टू इक्वल टू जीरो है क्या अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ पर आ जाएंगे पर प्रिंट आई पर आ जाएंगे जीरो और सम निकाल देंगे तो सम समय जीरो प्लस टू जीरो, तो सम भी जीरो हो जाएगा। फिर हाँ, जी नहीं तो फिर कहा जाए फिर नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे किस पर टू पर टू पर।, पर चेक करो चेक करा टू मोड बाई टू इक्वल टू जीरो है तो टू को प्रिंट कराओ और टू को प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर सम आ जाओ तो सम प्लस टू यानी टू नंबर हो गया इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा आइए देखते हैं इसका आउटपुट यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख देते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा सम टू जीरो और आई इन रेंज कहाँ से लेके चलने हैं हम जीरो से लेकर हमें जाना है टेन तक और मैंने आपसे कहा यहाँ पर सबसे पहले किसको प्रिंट करा दो आई को और उसके बाद यहाँ पर ले लो इक्वल टू सम प्लस क्या कर दो आई और इसके बाद यहाँ पर प्रिंट करा दो किसको सम को यहाँ पे लिखो सम ऑफ इविन इविन नंबर इजिकल टू किसको प्रिंट कराना है सम को बस रन कराइए प्रोग्राम को देखिए आउटपुट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये सारे नंबर आ रहे हैं लेकिन ये नंबर तो इविन नंबर नहीं है ठीक है और सम भी कितना आ गया पचपन तो ये क्वेश्चन तो कुछ और बन गया अभी हम यहाँ पर कंडीशन लगाना भूल गए हैं तो कंडीशन लगाइए यहाँ पर क्या कौन सी इफ की इफ आई मोड बाई टू इज इक्वल टू जीरो है क्या इस तरीके से अगर ये बात सत्य है तो प्रिंट कराइए आई को और प्रिंट कराइए सॉरी सम को कराइए यहाँ पर कैलकुलेट और अब देखिए इसका आउटपुट तो, जीरो टू फोर सिक्स एट टेन और सम कितना आ गया इसका थर्टी ओके तो ये चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई होगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए राइट प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा गया है गया है राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू थ्री और फाइव यूजिंग फॉर लूप यानी कि हमें एक से लेकर के बीस तक के नंबर्स में से उन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो ना तो दो से डिवाइड हो ना तीन से डिवाइड हो ना फाइव से डिवाइड हो ओके okay, अगर ये इन तीनों में से किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है तो हमें उसका सम नहीं निकालना है तो एक्चुअली में हम इसको समझते हैं यहाँ से तो देखिए हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास नंबर हैं वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है सेवन है एट है नाइन है टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड देन हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप तो हमें सम बता दो नंबर्स का जो ना तो दो से डिवाइड होते हो ना तीन से ना पांच से तो हम चेक कर रहे हैं क्या वन नंबर दो से डिवाइड हो जाता है जी नहीं क्या थ्री से डिवाइड हो जाता है जी नहीं क्या फाइव से डिवाइड हो जाता है जी नहीं तो सबसे पहले तो सम में पहले वन आ गया अब इस टू नंबर को चेक करो नेक्स्ट टू क्या टू टू से डिवाइड हो जाता है जी हाँ हो जाता है तो भैया टू को कंसिडर नहीं करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे लिखा है विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू थ्री और फाइव क्या थ्री थ्री से डिवाइड हो जाता है हाँ जी हो जाता है इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे फोर को चेक करो क्या फोर टू से डिवाइड हो जाता है हाँ जी हो जाता है इसको भी कंसिडर नहीं करने वाले फाइव को चेक करिए क्या फाइव डिवाइड हो जाता है टू से जी नहीं थ्री से जी नहीं फाइव से तो हो जाता है इसको भी छोड़ना पड़ेगा सेवन सिक्स को देखिए सिक्स क्या टू से डिवाइड हो जाता है हाँ जी हो जाता है इसको भी छोड़िए सेवन को देखिए सेवन टू से डिवाइड होगा नहीं थ्री से होगा नहीं फाइव से डिवाइड होगा नहीं तो भैया सेवन नंबर मिल गया नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर देखो एट एट नहीं मिलेगा नाइन भी नहीं मिलेगा टेन भी नहीं मिलेगा फिर एलेवन मिल जाएगा इस तरीके से फिर ट्वेल्व भी नहीं मिलेगा थर्टीन मिल जाएगा फिर हमें फोर्टीन नहीं मिल रहा फिफ्टीन नहीं मिल रहा सिक्सटीन नहीं मिल रहा सेवेंटीन मिलेगा ठीक है और ऐसी सेवनटीन के बाद क्या मिलेगा हमें नाइनटीन तो हमें ये सम बताना है ये सम कितना है ये हमसे प्रोग्राम कह रहा है ओके तो चलो हम बनाते हैं इस प्रोग्राम को हमें सबसे पहले कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा सम नाम का तो सम में हमने लिया यहाँ पर जीरो और हमने यहाँ पर लगाया फोर और सॉरी ये सी का लग गया भाई यहाँ पर इस तरीके से नहीं फोर हमने यहाँ पर लिखा आई इन रेंज आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाए वन से कहाँ तक जाना ट्वेंटी तक तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ट्वेंटी और साइज लिखेंगे वन अब हमें क्या काम करना है यहाँ पर चेक करना है क्या चेक करना है कि क्या आई मोडल टू जीरो कंडीशन ठीक है पहली कंडीशन हो गई दूसरी कंडीशन लगाओ और करके क्या आई मोड वाई थ्री इज इक्वल टू जीरो है? दूसरी कंडीशन और करके तीसरी कंडीशन लगाओ क्या आई मोड वाई फाइव इज इक्वल टू जीरो हो है? अगर इस इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल हो जाता है तो उसको सम में काउंट नहीं करना है अगर ऐसे हो जा रहा है तो हम यहाँ पर एक हम यहाँ पर एक ब्लैंक स्टेटमेंट चला देते हैं ब्लैंक स्टेटमेंट या तो आप लिख दीजिए पास p a -W s पास या फिर अगर पास लिखना नहीं चाहते तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं तो समझिए जो बच्चे समझ रहे हैं तो देखो आप ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम ऐसे करके प्रिंट और एक ब्लैंक स्टेटमेंट चला दीजिए बस ऐसे करके तो या तो आप ये लिखिए या फिर आप ये लिखिए और एल्स पार्ट में जाइए एल्स पार्ट में तो देखिए समझिए अगर वो जो आई की वैल्यू ऊपर से आ रही है रेंज फंक्शन से रेंज फंक्शन से सबसे पहले आई की वैल्यू, वैल्यू वन आएगी तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या वन टू से डिवाइड है जी नहीं क्या वन थ्री से डिवाइड है जी नहीं क्या वन फाइव से डिवाइड है जी नहीं यानी ये पूरे का पूरा इफ स्टेटमेंट फेल हो गया फेल हो गया तो कहाँ जाएंगे एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम इज इकल टू ठीक है तो सम की पहले, पहले पहले जीरो थी और जीरो प्लस वन वो नंबर यहाँ पर एड हो गया अब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से क्या आएगी रेंज फंक्शन से टू तो टू को यहाँ पर चेक करो क्या टू टू से डिवाइड होके जीरो आता है हाँ जी बिल्कुल आता है बात सत्य हो गई तो हम लूप के अंदर जाएंगे सॉरी इफ के अंदर जाएंगे इस, इफ के अंदर क्या लिखा है सिंपल पास पास का मतलब आप नेक्स्ट वैल्यू पर बढ़ जाइए तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी अब यहाँ से थ्री तो थ्री को चेक करेंगे क्या थ्री टू से डिवाइड हो जाता है जी नहीं तो क्या थ्री थ्री से डिवाइड होता है जी हाँ कंडीशन ट्रू हो गई कंडीशन ट्रू होने पर फिर पास के पास गए तो पास ने क्या कर दिया कि आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाइए यानी नेक्स्ट वैल्यू पर जाइए नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी भाई आप थ्री के बाद फोर वैल्यू मिल जाएगी तो फोर को चेक करो फोर डिवाइड बाई टू जीरो है हाँ जी है कंडीशन ट्रू यहीं पर हो गई तो फिर पास ने क्या किया कि नेक्स्ट वैल्यू पर जाइए तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी फाइव चेक करो क्या फाइव टू से डिवाइड हो जाता है जी नहीं क्या फाइव थ्री से डिवाइड होता है जी नहीं क्या फाइव फाइव से डिवाइड हो जाता है जी हाँ फिर से क्या जाएगा पास स्टेटमेंट और पास क्या क्या देगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाइए सिक्स पर

सम इज और सम करा दीजिए बस हो गया पूरा प्रोग्राम ठीक है इस तरीके से अगर आपको वो नंबर भी प्रिंट कराने तो यहाँ पर आप लिखिए प्रिंट आई इस तरीके से और चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि ये हमें क्या बतलाता है तो मैंने यहाँ पर सम जीरो लिख दिया ठीक है कहा से लेना वन से लेकर के कहा तक जाना है ट्वेंटी वन तक जाना है और यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रहा हूँ इफ आई मोड टू इज इक्वल टू जीरो और और ऑपरेटर लगाइए आप और, और यहाँ पर लिखिए आई मोड मोड इज इक्वल टू जीरो दूसरी कंडीशन अब तीसरी कंडीशन लगाइए और लिखिए आई मोड फाइव इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से तीनों कंडीशन लग गई तीनों कंडीशन लगने के बाद हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे सिंपल सा पास स्टेटमेंट चला दीजिए पास चला दिए अब पास के बाद हम कहाँ जाएंगे एल्स पर एल्स स्टेटमेंट में गए और हमने यहाँ पर कहा कि प्रिंट करो किसको आई को हमें वो नंबर पता तो लगे कि वो नंबर कौन सा है और प्रिंट करें फिर वो सम को कैलकुलेट करें एंड देन फिर सम को यहाँ पर प्रिंट करा दें इस तरीके से चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है देखिए ये वो नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो ना तो टू से डिवाइड होते ना थ्री से डिवाइड होते ना फोर से डिवाइड होते ना फाइव से डिवाइड होते ये वो नंबर्स हैं और हमें उसी उन्हीं नंबरों का क्या निकालना निकालना था यहाँ पर सम निकालना था तो यहाँ पर सम कितना आ रहा है सिक्सटी तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा ओके चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं राइट प्रोग्राम टू प्रिंट राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो टेबल समझते हैं जिसको हम बोलते हैं टेबल तो टेबल क्या होती है जैसे मैंने कहा नंबर की वैल्यू मेरे पास टू है तो टू की टेबल तो टू फोर एट सिक्स टू फोर सिक्स एट टेन ऐसे करके ये ट्वेंटी तक और थ्री से बोला जाए तो थ्री सिक्स और नाइन और फिर उसके बाद कहाँ तक आ जाएगी थर्टी तक ये टेबल तो चलो कोड लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू इंटीजर फिर कहा मैंने इनपुट फिर मैंने कहा यहाँ पर प्लीज एंटर एनी नंबर बस फोर लूप लगाया यहाँ पर फोर आई इन रेंज फंक्शन लगाया और रेंज फंक्शन स्टार्ट हो जाए वन से कहाँ तक जाए इलेवन तक और स्टेप साइज दे दिया वन और मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट कर दो इसको नंबर मल्टीप्लाइड बाई आई को बस हो गया पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं करना ठीक है चलो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा देखिए आउटपुट ये रेंज फंक्शन आपको क्या देगा सबसे पहले तो इसको समझो तो रेंज फंक्शन की जगह एक लिस्ट आ जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ये लिस्ट आ गई इस आई को सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी ये वन मिल जाएगी तो चेक करो क्या वन इस लिस्ट का मेंबर है हाँ जी है है तो इस वाले स्टेटमेंट पर आ जाओ क्या लिखा है यहाँ पर प्रिंट करो नंबर इनटू आई नंबर की वैल्यू सपोज दैट आपने फाइव लिया था तो फाइव इंटू आई और आई की वैल्यू है वन तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा फाइव ओके okay. फिर नेक्स्ट नंबर आई की वैल्यू क्या आएगी उठ के टू तो चेक करो टू इन रेंज टू इसमें है हाँ जी है तो अब यहाँ पर आ जाओ प्रिंट के अंदर तो यहाँ नंबर ऐसे हो जाएगा फाइव इंटू टू टेन आ जाएगा ठीक है एंड सो ऑन फाइव इंटू टेन इज जाएगा फिफ्टी चलो मैं आपको टेबल भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा फोर सॉरी फोर से पहले नंबर लेना है नंबर इज इकल टू इंटीजर इनपुट और यहाँ पर लिखा मैंने प्लीज एंटर एनी नंबर फिर मैंने यहाँ पर फोर लूप लगाया फोर फोर आई इन रेंज अब भाई ये रेंज फंक्शन आपको सही से समझ में आ जाना चाहिए और इतने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं आप मेरे सिर्फ एक बार फिर से पूछ लीजिए चलिए अब यहां पर हम लगाते हैं प्रिंट और देखिए अगर आप उसी तरीके से प्रिंट करना चाहते जिस तरीके से टेबल आती तो आप कैसे लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से इस तरीके से लिखेंगे भाई हम्म आप लिखेंगे नंबर इस तरीके से पहले मैं आपको टेबल प्रिंट करके दिखा देता फिर आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं नंबर बस और कुछ नहीं दोबारा प्रोग्राम रन मैं तो फाइव, तो फाइव करो मैंने कहा थ्री की गई ओके अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ तो देखो फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे ठीक है नंबर कोमा और इसमें एक करेक्टर देना पड़ेगा कोमा और यहाँ पर देना पड़ेगा आई फिर कोमा और फिर इस हिसाब से हम ये प्रिंट करा देंगे ठीक है यहाँ पर स्पेस दे दो बस अब इसको देखो आप मैंने कहा मेरा नंबर है फाइव और एंटर तो देखो ऐसे आ गया फाइव इंटू वन इजिकल टू फाइव एक कमी कर दी चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर ये स्पेस हटाओ और यहां पर ये लगा दो इस तरीके से बस अब रन करो तो फाइव तो देखिए फाइव के टेबिल फाइव इंटू वन इजिकल टू फाइव फाइव इंटू टू इजिकल टू टेन आ गया ना इस तरीके से टेबल प्रिंट करा ओके okay, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन हमारा ये राइट प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फॉर लूप अब देखिए फैक्टोरियल को समझते हैं फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है क्या आप मुझे बता सकते हैं फैक्टोरियल वन कितना होता है जी वन होता है फैक्टोरियल जीरो कितना होता है जी फैक्टोरियल जीरो भी वन होता है ओके okay, प्रोग्राम हमसे क्या कह रहा है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालिए ठीक है।, है तो सबसे पहले तो मुझे ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इफ़ जो नंबर मैं दे रहा हूँ क्या वो नंबर जीरो के इक्वल है और क्या वही नंबर हमारा वन के इक्वल है अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे प्रिंट फैक्टोरियल जो है वो फैक्टोरियल क्या है भाई उसका फैक्टोरियल वन है अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर फैक्टोरियल निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे तो देखिए फैक्टोरियल कैसे निकलता है भाई तो जैसे आपने कहा कि फैक्टोरियल फाइव निकालना है तो आप ऐसे करेंगे ना फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ऐसे करके तो ये कैसे निकलेगा तो आप अगर हाँ आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो ये उल्टा नंबर चल रहा है फाइव चल रहा है फिर फोर चल रहा है फिर थ्री चल रहा है फिर टू फिर वन और आपस में क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करें कैसे लिखें ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए चलो तो हम इसका निकाल देते हैं भाई फैक्टोरियल तो देखो फैक्टोरियल कैसे आएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक नंबर को लेने वाले हैं ठीक है तो नंबर को आप यहाँ पर एंटर कराओ तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको मैं सबको रफ कर दूं इस तरीके से चलो मैं इसको रफ कर देता हूं चलो यहां पर लिखते हैं हम इस तरीके से कोड लिखते हैं इसका कोड सॉल्यूशन लिखते हैं नंबर इज इक्वल टू इंटीजर लिखते हैं इनपुट और फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर एंटर एनी नंबर ठीक है एक नंबर ले लिया अब यहाँ पर काम करते हैं चेक करते हैं चेक करते हैं एफ 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 नंबर इज इक्वल टू जीरो है क्या और नंबर इज इक्वल टू वन है क्या इस तरीके से अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पर प्रिंट करा दें ऐसे करके प्रिंट क्या प्रिंट करा दें भाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज किसको प्रिंट करा दें वन को बस ये हो गया अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएंगे एल्स पार्ट अब एल्स पार्ट में जा के यहाँ पर हमें फोर लूप लगाना है कैसे लगाएंगे फोर अब देखिए फैक्टोरियल कैसे निकलता है सबसे पहले तो निकलेगा फाइव इंटू फोर अगर फाइव नंबर है तो फाइव इंटू फोर ठीक है फिर फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ऐसे करके हम निकालते हैं तो हम यहाँ पर फोर लूप लगाते हैं तो फोर लूप लगाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या फोर आई एन रेंज आई इन रेंज लगाया मैंने और रेंज फंक्शन में यहाँ पर वैल्यू चला दी क्या वैल्यू चला दी वन और नंबर प्लस वन कर दिया क्योंकि अगर फाइव नंबर आया तो ये फाइव तक नहीं जाएगा कहाँ तक रुक जाएगा फोर तक मुझे एक नंबर आगे तक चलाना है और स्टेप साइज मैंने यहाँ पर लगा दिया कितना वन इस तरीके से अब मैंने एक वेरेबल लिया फैक्ट नाम का इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में क्या करता चला गया मल्टीप्लाई करता चला गया ऐसे देखो आई अब आप ये कहोगे कि फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख लेते हैं चलो फैक्ट की इनिशियल वैल्यू में वन से सेट कर लेता हूँ ठीक है बस पूरा प्रोग्राम हो गया अब आपको क्या कराना है प्रिंट कराना है आ जाओ यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर लिखिए फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू किसको प्रिंट कराना है सिर्फ फैक्ट को प्रिंट कराना है बस हो गया पूरा प्रोग्राम कुछ नहीं करना होगा चलिए देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से आता है ठीक है चलो आउटपुट देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट और आउटपुट में देखते हैं सबसे पहले ये आपसे नंबर पूछेगा तो नंबर की वैल्यू आपने कितनी दे दी सपोज डेट फाइव दे दी और यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू भी क्या सेट हो गई सपोज सेट हो गई फैक्ट एक वेबल ले लिया कंडीशन लिखा है कि नंबर इज इक्वल टू है तो चेक करो क्या फाइव जीरो के इक्वल है जी नहीं और में चेक करो क्या फाइव वन के इक्वल है जी नहीं यानी हम ये स्टेटमेंट फेल हो गया तो कहाँ जाएंगे एल्स पार्ट में जाएंगे चेक करो आई इन रेंज और रेंज कहा से शुरू हो रही है वन से नंबर प्लस वन का मतलब है फाइव प्लस वन यानी सिक्स तक और स्टेप साइज कितना है वन तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो ये रेंज फंक्शन कैसे होगा तो रेंज में ये लिखा है वन कोमा अगर नंबर की वैल्यू फाइव तो यहाँ पर सिक्स कोमा वन तो ये हमें इस तरीके से दे देगा वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव इस तरीके से ओके okay. नाउ तो इस आई को क्या वैल्यू मिलेगी सबसे पहले ये वाली वन वैल्यू मिलेगी तो हमारा फैक्ट कितना आ जाएगा ये वाला फैक्ट कितना आ जाएगा तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई वन तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है वन वन इंटू वन कितना हो गया वन फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा ये टू क्योंकि ये वन नंबर तो खत्म हो गया अब दूसरा नंबर मिलेगा टू तो टू चेक करो क्या टू इस में है हाँ जी है तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू चेक करो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट की इनिशियल वैल्यू थी अब वन वन इंटू टू तो टू हो गई फिर थ्री का नंबर आया फिर तो फैक्ट को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा टू इंटू थ्री तो सिक्स हो गया फिर फैक्ट नंबर आ जाएगा ऐसे करके क्या आ जाएगा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा फोर तो सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर फिर ऐसे नंबर क्या आ जाएगा फाइव तो ट्वेंटी फोर इंटू फाइव तो ये आ जाएगा एक सौ बीस हो गया ना पूरा प्रोग्राम तो चलो दिखते हमने यहाँ पर लिखा ये तो ऊपर लाइन से ही लिखी हुई है ये लाइन अभी यहाँ से हटा दो ये भी हटा दो यहाँ पर लिखते हैं चेक करो एफ एफ नंबर की वैल्यू नंबर की वैल्यू क्या इक्वल टू जीरो है और क्या नंबर की वैल्यू इज इक्वल टू वन है अगर ऐसा है तो प्रिंट करा दो किसको फैक्टोरियल को और फैक्टोरियल मैसेज दो फैक्टोरियल ऑफ़ गिवन नंबर इन टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा फैक्टोरियल उसका वन सिंपल इस तरीके से और सपोज रेट ऐसा नहीं तो कहाँ जाएंगे भाई एल्स पार्ट में एल्स पार्ट में गए और यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा फोर लूप फोर लूप और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर आई इन रेंज रेंज और रेंज स्टार्ट हो रही वन से और यहां पर शुरू होगी नंबर प्लस वन से स्टेप साइज रखेंगे का इस तरीके से अब हमें यहाँ पर फैक्ट को कैलकुलेट करना है तो फैक्ट इज इक्वल टू मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई किससे करा देंगे हम यहाँ पर आई से और इस फैक्ट की इनिशियल वैल्यू यहां पर सेट करो फैक्ट इक्वल टू वन बस अब प्रिंट करा दो यहाँ पर पे लिखिए फैक्टोरियल ऑफ़ नंबर इज़ इक्वल टू फैक्ट को आप प्रिंट करा दो इस तरीके से हो गया पूरा प्रोग्राम रन करते हैं हमसे पूछा जा रहा प्लीज एंटर एनी नंबर अगर मैंने कहा यहां पर वन तो देखो क्या आया फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज वन फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज वन दो बार आ रहा है ठीक है क्यों आ रहा दो बार दो बार इसलिए आ रहा कि आप दो बार इसलिए आ रहा है कि ये जो प्रिंट आप करा रहे हैं ये प्रिंट करा रहे हैं कहाँ पर कहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं इस एल्स पार्ट से बाहर प्रिंट करा रहे हैं तो ये इसलिए प्रिंट हो रहा है ठीक है तो एक काम कर सकते हैं एक काम कर सकते हैं क्या भाई कि यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे लिखा यहाँ पर एक्जिट फंक्शन लगा दूँ तो ये सही हो जाएगा देखो ई एक्स आई टी ठीक है इस तरीके से अब दोबारा रन करिए देखिए मैंने कहा नंबर मेरे पास वन है तो आउटपुट क्या आया देखो आउटपुट दिखाता हूँ प्लीज एंटर एनी नंबर वन तो फैक्टर इज वन प्रोसेस एंडेड विद एक्सिट जीरो है ना जैसे ये नंबर मिलता है तो हमारा फैक्टोरियल आ जाता है कैलकुलेट और आगे आउटपुट नहीं आता यानी आगे पार्ट पर नहीं जाता इस वाले पर नहीं जाता है ठीक है इस तरीके से चलो अब अगर मैं ये एग्जिट फंक्शन नहीं लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है मत लगाओ यहाँ पर हटा दो इस तरीके से हटा दिया मैंने है ना इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एफेल्स का ठीक है सपोज दैट आपने प्रोग्राम को किया रन और इस बार नंबर दे दिया आपने फाइव तो फाइव का आंसर कितना आएगा देखो वन ट्वेंटी ठीक है फिर दोबारा रन करेंगे यानी कहा नंबर इस बार सिक्स है तो कितना आंसर आया सात सौ बीस अब ये चल कैसे रहा ये देखो ये चल ऐसे रहा कि जैसे नंबर आपने क्या दिया है मैं सिक्स दिया है यहाँ पर नंबर की वैल्यू सिक्स आ गई से तो चेक करो क्या सिक्स जीरो के इक्वल है जी नहीं क्या सिक्स वन के इक्वल है जी नहीं तो इसका मतलब एल्स पार्ट में जाना पड़ेगा एल्स पार्ट में गए तो यहाँ पर शुरू हो गए हम आई इन रेंज और रेंज फंक्शन जनरेट करके दे दिए हमें यहां पर लिस्ट तो आई की वैल्यू पहले वन आई तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इन वन तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो गया ये कुछ ऐसे कैलकुलेट हो गया वन इन टू टू इन टू थ्री इन फोर इन फाइव इन सिक्स अगर मैं आपको फैक्टोरियल सिक्स कैलकुलेट करने के लिए दूँ तो आप यही तो कहोगे सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू ऐसे करके तो ये वाली ये वाली तो वाली वाली लाइन लाइन और है इस तरीके से लिखा गया बस इसका यह आंसर आ जाएगा तो बच्चों ये थे आज के प्रोग्राम जो आप समझ गए होंगे लूप में और उम्मीद करता हूँ लूप की वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर ये लेक्चर आपको आया है समझ में तो आप उसको करिए सब्सक्राइब क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको फोर लूप की वर्किंग समझ में आ जाए फोर लूप कैसे काम करता है तो फोर लूप को समझने के लिए हमें दो चीजों को लेना पड़ा एक तो लेना पड़ा हमें सिक्वेंस को और दूसरा लेना पड़ा हमें रेंज फंक्शन को ठीक है अगर ये दोनों अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं तो फोर लूप की वर्किंग आपको समझ में आ गई है तो मेरा आपसे अनुग्रह है एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कराएं ठीक है क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है थैंक यू वेरी मच